एवरीवन, स्वागत है आपका फलक ब्लॉग्स में। होप आप अच्छे होंगे। और आज काम से थोड़ी राहत मिली है तो अपने कलीग्स के साथ आए हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। सो आज यहां पर देखेंगे, ये एक ओपन रेस्टोरेंट है और जंगल के बीचों बीच है। ऐसा यहां का देखने से लगता है लेकिन जंगल नहीं है, ये टाउन के बीचों बीच है। सो देखते हैं किस तरीके का यहाँ फूड है, क्या क्या मिलता है और अंदर के कुछ सिनेमेटिक व्यूज भी देखेंगे क्योंकि ये ओपन रेस्टोरेंट है और कुछ थीम बेस्ड भी है। तो सीधे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा दिखता है गाइज, ये ओपन रेस्टोरेंट है और हजारीबाग में ये है और शहर के काफी करीब है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के जस्ट पास में ही है। उस साइड जो है वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है और अगर हम इधर पीछे देखेंगे तो थोड़े से दूर में ही हम लोगों को हजारीबाग झील देखने को मिलेगा। सो कुछ ऐसा दिखता है, आपने अभी सिनेमेटिक में देखा और अब देखते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है और काफी डिफरेंट चीज भी यहाँ देखने को मिली तो वो भी देखेंगे। तो फिर से वीडियो को आगे देखें आप। तो इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी खासियत दिखी कि पुराने तौर तरीके से जो है वो खाना सर्व करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये जो है पत्ते का पत्तल है और इसी में ये जो पूरा खाना जितना भी डिश है वो इस पे ही सर्व करते हैं। ये फिलहाल जो है वो देसी लैंग्वेज में इसे पकौड़ी कहते हैं, पकौड़ी है। ये स्टार्टर के रूप में यहाँ पे जो है वो हम लोग मंगवाए हैं और उसके बाद मेन कोर्स भी देखते हैं किस तरीके का है और सबसे बड़ी चीज़ है कि टेस्ट कैसा है वो खाने के बाद आपको बताएं। स्टार्टर में हमेशा यूज़ किया है, यानी कि ऑर्डर किया है चाइनीज़ फूड, लेकिन इस बार पहली बार जो है झारखंडी फूड कह सकते हैं इसको, जो स्टार्टर में हमने यूज़ किया है, मंगवाया है। आप देख सकते हैं कि जो प्लेट है उसकी स्थिति देखकर ही समझ में आ सकता है आपको कि इसका फूड जो है जो स्टार्टर हमने बताया वो वाकई लाजवाब है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका और स्पेशली इसकी जो चटनी है वो बहुत अच्छा है और सर्व करने का तरीका यानी कि पूरी तरीके से ट्रेडिशनल वे में है। और हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्लास यूज़ किया जा रहा है वो भी मिट्टी का ग्लास है, यानी कि मिट्टी के ग्लास में जो पानी पीने का मज़ा है वो भी अपने आप में जो है एक अलग अनोखा अंदाज रखता है। और इसके साथ से जो मिट्टी की खुशबू है सोनी सोनी वो भी आ रही है और साथ में जो प्रॉपर वे में जो फूड बनाया गया है वो भी अच्छा। ये स्टार्टर था, अब हम लोग मेन कोर्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे मेन कोर्स का टेस्ट कैसा है। हो गया और मैं अकेले नहीं खाया, चार लोग मेरे साथ थे और जो कलीग्स हैं वो भी मेरे साथ हैं और उन लोगों से जानते हैं कि कैसा था ये टेस्ट और जो सर्व करने का तरीका था वो कैसा था। आशीष जी हैं, किस तरीके का? बहुत ही लाजवाब रहा था क्योंकि झारखंडी की कहीं ना कहीं दिख रही है यहाँ पर। हमें पत्तल में खाना खाए और स्टार्टअप किए हम लोगों, उसके मट्टी के गिलास में हम लोगों ने पानी पिया तो बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अलग और कुछ खास नज़र आया। और जो खासियत यहाँ की मैंने देखी वो झारखंडी टाइप की, क्योंकि हर चीज़ हरे पत्तल में दिया जा रहा है, ये खास अलग और यहाँ का आकर्षक का केंद्र है। बिल्कुल, जैसा कि हम लोगों की एक किसी भी क्षेत्र की अपनी एक पहचान होती है और हमारी जो पहचान है झारखंडी का वो यहाँ खास तौर पर यहाँ देखने को मिला। हम लोग अभी मिट्टी के ग्लास में पानी पी रहे हैं और पत्तल नुमा जो प्लेट है उसमें हमें खाना सर्व किया जा रहा है। अब ये स्टार्टअप का हमने आनंद लिया है तो काफ़ी आनंद आ रहा है, बहुत अपनापन का एहसास हो रहा है वाकई। चलिए, तो प्रवीण भाई की आवाज़ बहुत प्यारी है और इनको भी ब्लॉग एक चैनल शुरुआत करना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत स्टोरीज वगैरह के लिए निकलते हैं, तो एक ब्लॉगिंग चैनल इनको करना चाहिए। एक ब्लॉगिंग चैनल आप भी बनाइए। बिल्कुल, बहुत जल्द
आप सबके लिए मैं भी एक ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। उम्मीद है कि मुझे भी आप उतना ही सपोर्ट कीजिएगा और उतना ही प्यार दीजिएगा जितना अभी हमारे भाई फलक भाई को दे रहे हैं, और इसी तरीके से फलक भाई को भी ढेर सारा प्यार देते रहिए। बेहतरीन आपके सपोर्ट के वजह से ही बहुत आगे बहुत कुछ आपको दिखाने वाला। तो लंच कंप्लीट हो गया गाइस, और वाकई बहुत ही टेस्टी फूड था, और सबसे ज्यादा यह अच्छा लगा कि जो सर्व करने का तरीका है वो जो पुराने दौर में जैसे सर्व करते हैं और मेनली झारखंड में जैसे लोग पहले खाते थे उस तरीके से लोग यहाँ पर जो है वो फूड सर्व किए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। खाने के टाइम दिखा नहीं पाए लेकिन कुछ वीडियोस हमने ज़रूर बीच में लिया था और वो भी अपलोड हो गया है। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।